आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है कि अब उनके अफसर मित्र देशों के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। एक दिन के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वे दिन अब गए जब नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारी अपने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मित्र देशों के पास जाते थे, लेकिन अब वे भीख का कटोरा लेकर मित्र देशों के पास नहीं जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान और यूएई के बीच लंबे समय से धार्मिक सांस्कृतिक समानता पर आधारित भाईचारे का रिश्ता है। जियो न्यूज से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वे दिन गए जब मैं अपने मित्र देशों में भीख का कटोरा लेकर जाता था। मैंने वह कटोरा तोड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाई, आपने अपने महान पिता की तरह, एक भाई की तरह, परिवार के सदस्य की तरह पाकिस्तान का समर्थन किया है। हालांकि इस कार्यक्रम में यूएई के राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे, लेकिन इतनी तारीफें करने के बाद पाकिस्तान को उसका फल भी मिला है। यूएई ने पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। न्यूज एजेंसी WAM ने बताया कि यूएई ने पाकिस्तान में आशाजनक आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 10 अरब डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। गुरुवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और शहबाज के बीच मीटिंग हुई। दोनों के बीच पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे समर्थन देने को लेकर बातचीत हुई। मार्च में सत्ता में आने वाली पाकिस्तान की नई सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मैं यहां इस महान देश में हूं, इस भाईचारे वाले महान देश में कर्ज मांगने के लिए नहीं, बल्कि संयुक्त सहयोग और संयुक्त निवेश की तलाश में हूं। इन सहयोगों से निवेशकों को पारस्परिक लाभ होगा। कड़ी मेहनत, सरलता और आधुनिक उपकरणों और कौशल के माध्यम से लाभांश प्राप्त किया जाएगा।